माय चैनल वंडरलस्ट एंजेल। तो गाइस आज हम लोग चलने वाले हैं प्री वेडिंग शूट की लोकेशन जो दिल्ली के बहुत ही पास है। आप देख रहे हो हमारे सामने का इलाका है, कुछ खेतों से भरे हुए हैं, ये इलाका खेतों से भरा हुआ है। इसीलिए गाइस मैं यहाँ पर रुककर आपके लिए स्पेशल शूट कर रहा हूँ। बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी यहाँ पे और देख रहे हो पूरा विलेज टाइप में है। और हम चलने वाले हैं कुतुबगढ़ में। गाइस कुतुबगढ़ में है फोटो पैराडाइज, बहुत ही ज़्यादा अपने आप में पॉपुलर डेस्टिनेशन है। लाइक आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कुछ भी करना चाहते हो तो ये डेस्टिनेशन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। हम एक्सप्लोर करने वाले हैं फोटो पैराडाइज को, उसका इंटीरियर एक्सटीरियर एवरीथिंग गाइस, और डिस्कस करेंगे। लास्ट में देखेंगे क्या रहने वाला है वहाँ पर बजट, आपको कितना एक्सपेंस आने वाला है अगर आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी, और कितने टाइम के लिए आप लेने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो गाइस हम आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर फोटो पैराडाइज पर। ये देख रहे हो आप गेट, यहीं से होगी एंट्री फोटो पैराडाइज की, और ये जस्ट सामने है ग्लोरियस ब्यूटी पार्लर, आपको दिख रहा होगा सामने। तो इसी के लोकेशन के जस्ट सामने है हमारी बिल्डिंग। तो चलते हैं अब अंदर। ये सेटअप है कैफ़े का, आप देख रहे हो मेरे सामने कैफ़े की वॉल कितनी ब्यूटीफुल वॉल है। यहाँ पे आपको सब कुछ इंडिविजुअल मिलने वाला है। लाइक आप देख रहे हो ये कैफ़े की वॉल है, यहाँ पे जो भी चेयर्स वगैरह ये शिफ्ट हो सकती हैं। सेम आप देख रहे हो ये वाली वॉल जो हमें चॉकलेटाइज बेकरी टाइप की वॉल जो बनी हुई है, आप देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ है, इस ग्रीन वॉल पर शिफ्ट हो जाएगी ये, और कितना प्यारा लुक आने वाला है आप इससे एनालाइज कर ही सकते हो। गाड़ी के साथ लोग ये देख रहे हो आप गाड़ी, इसके साथ बहुत अच्छे अच्छे पोजेस आ सकते हो। तो ये लाइब्रेरी लुक, यहाँ पे भी काफ़ी अलग पोजिंग कर सकते हो आप, और डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर क्लिक कर सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा वीडियोग्राफी भी कर रहे हो आप, सिनेमैटिक निकाल रहे हो तो सिनेमैटिक के लिए भी ज़बरदस्त लुक आने वाली है। अब देख रहे हो आप इसका प्रॉपर्टी का पूरा लुक, तो यहाँ की लुक भी आपको बिल्कुल डिफरेंट लगने वाली है। काफ़ी ज़्यादा पुरानी चीज़ें यूनिक चीज़ों का यूज़ किया हुआ है यहाँ की लुक एनहांस करने के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट सेट्स आप देख रहे हो यहाँ पे, और दिखाता हूँ मैं आपको बाकी सारे सेट्स। फ्लावर की डेकोरेशन तो आप देख ही रहे हो, खतरनाक फ्लावर्स की डेकोरेशन के साथ आप पिक्चर क्लिक कर आ सकते हो। आप चलते हैं हम इटालियन बेडरूम में, आपको विजिट कराऊंगा इटालियन बेडरूम, चलते हैं अंदर। तो गाइस ये हमारा इटालियन बेडरूम, देख सकते हो आप क्या लुक है, एकदम वाव वाली लुक है, आपको आगे एकदम फील आने वाला है। यहाँ पे आप पिक्चर क्लिक कराओगे कम से कम 100 पिक्चर क्लिक हो सकते हैं इस रूम के अंदर। आप देख रहे हो इतना बड़ा रूम है, और सारे सेटअप्स अलग अलग हैं, आप अलग अलग कुछ भी पोजिंग करके कर सकते हो। गाइज अब हम आ गए हैं हमारे दूसरे सेट पर, देख सकते हो यहाँ पे आपको मिलने वाला है विलेज का लुक, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको वेल से थोड़ा सा पानी भर के तो दिखा दूँ किस तरीके से करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार ये, इस तरीके से आप खींचना फोटो, पानी नहीं है ऑल दो। और अब देख रहे हो आप यहाँ पे हमारा खलील वाला लुक, किस किस को चाहिए हो सारे आ जा रहे हैं यहाँ पे खलील का लुक, किसी को चलानी हो रिक्शा तो रिक्शा भी अवेलेबल है। और अब करते हैं किसको शूट करना है, भाई मैं तू तो गया, देसी वाइब आ रही है यहाँ पे, फुल देसी वाइब। तो आटा बनाना हो चाहे लस्सी बनानी हो, सारा इंतज़ाम है, तो उससे कहीं नहीं जा रहे, सब यही आ रहे हो। देखो मैं लस्सी बना के दिखा भी देता हूँ, कुछ ऐसे ऐसे बनाई होगी लस्सी, ये खतरनाक लस्सी बन जाएगी इससे आपकी। तो मतलब सारा जुगाड़ है विलेज वाला, जैसा आपको विलेज की फील चाहिए होती है, बहुत अच्छी फील आने वाली है विलेज की। एक और सेटअप दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा पुराने यहाँ पे आपको आइडल्स दिख जाएंगे, कितने पुराने आइडल्स हैं यहाँ पे। ये लुक मिलने वाली है आपको इस सेटअप की, और देख रहे हो गाइस बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे इनमें ये जो पुरानी आइडल्स हैं इनकी वैल्यू है, क्योंकि सेटअप में ये जल्दी से कहीं नहीं मिलते, बहुत नॉर्मल जगहों पे तो यार बहुत ही रेयर होता है। तो मैं यहीं पे देखा है फर्स्ट टाइम फोटो पैराडाइज में ही, जो
इतने अच्छे आइडल्स लगा रखे हैं उन्होंने, बहुत पुराने हैं ये, 200-300 साल पुराने आइडल्स हैं यहाँ पे। तो गाइस एक और बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल सेटअप दिखाने वाला हूँ मैं, जो आपको बहुत ही कम प्रॉपर्टीज़ में मिलने वाला है और मुझे अभी तक कहीं नहीं दिखा, इसलिए मैं दिखाता हूँ। ये रेल का सेटअप है, आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल रेल की वाइब आने वाली है, जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं। गाइस ये देख रहे हो आप सेटअप, ये है हमारा बल्ब ट्री का सेटअप और देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब एक लुक ही चेंज हो गई है सेटअप की। गाइस ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग लगी मुझे यहाँ पे, जो मैंने अभी सारे से सेटअप विजिट कराया आपको, आप देख रहे हो इसकी लुक ही बिल्कुल चेंज है। और मैं दिखाता हूँ आपको कुछ इंटरेस्टिंग से करके, लाइक तो मतलब काफी सारे अच्छे पोजेस निकाल सकते हो आप यहाँ पर, काफी सारी अच्छी चीजें कर सकते हो, मजा आ रहा है मुझे खैर एक्सप्लोर करने में इस प्रॉपर्टी को, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। गाइस हर एक चीज की फील अलग आ रही है, बिल्कुल मजा आ रहा है, एक तरह से शूट कर रहा हूँ मैं खुद ही, मुझे शूट करने में मजा आ रहा है और आपको एक्सप्लेन करने में और ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि मैं लाइव चीजें देख रहा हूँ तो गाइस मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ और ज्यादा अच्छे से आपको बता सकता हूँ, बट आप जब यहाँ पे आओगे और यहाँ पे फील करोगे तो मुझे लगता है आप फॉर श्योर 100% रिव्यू दोगे, पॉजिटिव रिव्यू दोगे, क्योंकि गाइस काफी वंडरफुल फीलिंग है जो मैं फील कर रहा हूँ, वही आपको बता रहा हूँ। अब गाइस लेके चलता हूँ आपको एक और दूसरे बढ़िया सेटअप की तरफ, देख सकते हो गाइस फीलिंग ही चेंज कर दी सेटअप ने मेरी, कसम से बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है 100-200 फोटो तो खिंचवा के जाऊंगा मैं यहाँ से, इतना तगड़ा सेटअप है। आपको देख सकते हो सारी जो वॉल्स हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंटरेस्टिंग, जो सारी वॉल्स हैं बहुत अच्छे से पेंटेड हैं, आप देख सकते हो कुछ पर आपको लग रहा होगा डोर, कुछ इमेजिनरी डोर्स हैं, कुछ रियल डोर है, लाइक ये वाला रियल डोर है, ये वाला इमेजिनरी डोर है, तो आपको डिफरेंस पता चलने में भी थोड़ी थोड़ी लग रहा होगा कि यार शायद ये असली का ही दरवाज़ा तो नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है, पर लिटरली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है ये वाला सेटअप, बहुत ज़्यादा अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में जा सकता है। काफ़ी वंडरफुल चीज़ लगी मुझे यहाँ पे स्कूटर भी, आप देख सकते हो स्कूटर के भी बहुत ज़्यादा होते हैं अपना लमरेटा तो इस स्कूटर के भी काफ़ी सारे पिक होते हैं, तो बहुत अच्छी आती हैं इससे पिक्चर्स भी। ओवरऑल चलते हैं नेक्स्ट सेटअप की तरफ, मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग देख रहे हो आप गाइस 250 साल पुरानी बिल्डिंग है, जो वुडन डोर देख रहे हो ये वुडन डोर भी बहुत ज़्यादा पुराना है, 250-300 साल पुराना है, और आप जब फील करोगे यहाँ पे जो पिक्चर्स आने वाली है बहुत ज़्यादा यूनिक पिक्चर्स आने वाली हैं, और देख सकते हो सामने इसी टाइप का डोर है, ये भी 250-300 साल पुराना डोर है और बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देने वाले हैं, आपकी सारे पिक्चर्स को एकदम एनहांस कर देने वाले हैं ये। तो ये जो पिलर्स देख रहे हो आप गाइस ये भी बहुत पुराने 250-300 साल पुराने हैं, और इनकी जो कारीगरी देख के भी पता चल जाएगा आपको ये कितने पुराने हैं, थोड़ी पुरानी टाइप की कारीगरी हो रखी है इनके ऊपर। और अंदर जाके आप देख सकते हो एक अंदर वॉकिंग वे में अच्छे पोजिंग के लिए यहाँ पे इस तरह की लाइटिंग है, ये लाइटिंग भी थोड़ी डिफरेंट यूनिक करी गई है, पुराने टाइप की रखी गई है, तो आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा लगा मैं 1984 का फिलिप्स का ये म्यूजिक सिस्टम है, आप देख सकते हो कुछ अलग सी फील आएगी इसे देख के। सो गाइस हियर विद मी मिस्टर नीरज, उनसे बात करते हैं इस प्रॉपर्टी का क्या है हमारा एक्सपेंस, अगर आप आ रहे हो तो क्या है इसकी टाइमिंग, सारा कुछ इंक्लूड करके सारा कुछ डिटेल में बताएंगे मिस्टर नीरज, तो बात करते हैं उनसे। सर टोटल हमारे 3 पैकेज हैं जो स्टार्ट होते हैं 4 hours और फुल्ली रहते हैं 11 hours, तो चार्जिंग जो है 10,000 से लेकर 30,000 तक रहते हैं इसमें। ओके, और ये डिपेंड करता है कि प्री वेडिंग के चार्जेस, हम कमर्शियल शूट की बात करें तो टीम मेंबर्स के ऊपर, टीम मेंबर्स हैं 8-10 के करीब, तो यही चार्जेस रहते हैं, टीम मेंबर्स ज़्यादा। और आपका कोई सेटअप इंक्लूड एक्सक्लूड हो, मतलब इस सारे चीज़ से जो टोटल सेट्स है हमारे पास 36। ओके, तो 36 में से 35 सेट्स जो है पैकेज का पार्ट होते हैं, और एक सेट जो कि आपने देखा वो रणवीर जी महल जो हमारा पैलेस वाला सेट है। ओके, पैलेस, हाँ हाँ जी, उसका हम लोग अलग से 5,000 रुपये चार्ज करते हैं। ओके गाइस, पैलेस का 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज है और वो प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं है, मतलब आप उसे एक्सक्लूड करके चलो, बाकी सारे सेटअप आपके इंक्लूड है जितने आपको हमने दिखाए सारे विजिट कराए, आपको कैसे लगे वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और बाकी यहाँ की आपको सारी हमने बताई दी डिटेल और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे यहाँ के बारे में कभी सर्विस हुआ था कुछ आप बताइए। हाँ जी, हमने वी आर बेसिकली द फर्स्ट लोकेशन ऑफ दिल्ली, वी स्टार्टेड इन 2015 और हम लोगों को 10,000+ शूट्स का एक्सपीरियंस है,
क्योंकि दिल्ली की फर्स्ट लोकेशन रही है, तो इतने सारे शूट्स हम करा चुके हैं। ओके, 10,000 प्लस शूट्स हो चुके हैं यहाँ पे 2015 से अब तक गाइस, तो काफी शॉर्ट टर्म पीरियड में काफी ज्यादा एक्सपोजर हो चुका है इस प्रॉपर्टी का। तो देखने के लिए आप भी आ सकते हो यहाँ पे और अपना एक अच्छा शूट प्लान कर सकते हो। तो अब मैं होप करूंगा आप लोग आ रहे हो यहाँ पे। अब चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको मेकअप रूम यहाँ का। तो ये है गाइज आपको जो मेकअप रूम मिलने वाला है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा स्पेस है, आप यहाँ पे देख सकते हो सिटिंग अरेंजमेंट के लिए आपको दी गई है चेयर, और चेयर के साथ ही यहाँ पे आप सामने देख सकते हो, सामने मिलेगा आपको मिरर, बहुत अच्छा लेविश मिरर मिलने वाला है यहाँ पे। तो स्पेस के लिए तो काफ़ी अच्छा है, सफिशेंट है अगर आप तैयार हो रहे हो तो। और यहाँ पे काफ़ी सारी चेयर्स हैं, 2 चेयर्स यहाँ पे हैं सिटिंग के लिए। तो अभी लेते हैं हम यहाँ पे जो कस्टमर हैं, जो कपल आए हुए हैं, उनका रिव्यू कैसा लगा उन्हें यहाँ पे प्रॉपर्टी पर एक्सपीरियंस, उनका जानते हैं एक्सपीरियंस। तो हियर विद मी, आप अपना कुछ एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा। दी एक्सपीरियंस इज रियली वेरी गुड, देयर आर सो मेनी सेट्स टू एक्सप्लोर एंड यू कैन हैव सो मेनी डिफरेंट फोटोग्राफ्स हियर। वी वर लेट सो वी कुडंट एक्सप्लोर ऑल ऑफ देम, बट दिस इज अ रियली फैंटास्टिक प्लेस टू हैव अ फोटो शूट। ओके गाइस, हियर विद मी कपिल, उनसे एक्सपीरियंस जानते हैं कैसा रहा उनका यहाँ पे प्रॉपर्टी पर एक्सपीरियंस, कैसा रहा सर आपका एक्सपीरियंस। इट वाज रियली फैंटास्टिक फ्रॉम द मोमेंट आई स्टेप्ड हियर, सो द प्लेस वाज रियली गॉर्जियस, सो एन एक्सपीरियंस ओवर अ ईयर हैज बीन ग्रेट and the staff here is really, you know, okay, basically you are satisfied with the service, with the entirely okay. It is just an elegant place and I highly recommend this place for anyone who is looking so, to go. So inki side se to recommendation mili gaya hai, sath mein meri side se bhi recommendation hai, aap aao yahan pe, bahut hi zyada well maintained property hai yahan pe. Thank you so guys, ye dekh rahe ho aap another makeup room। तो गाइज ये वाला मेकअप रूम आपका पैकेज में इंक्लूड होगा, ठीक है। जो हमने रॉयल वाला देखा था मेकअप रूम, वो आपका पैकेज में भी इंक्लूड नहीं है, उसके चार्जेस है 5,000 rupees एक्स्ट्रा। तो ये आप अपना माइंड मेकअप करके चलिए, अगर आप रॉयल मेकअप रूम ले रहे हो तो उसके लिए 5,000 एक्स्ट्रा देने हैं। अब यहाँ पे जो मेकअप आर्टिस्ट आए हैं उनका भी रिव्यू देख लेते हैं कैसा है उनका पूरा एक जेन्युइन रिव्यू। तो आप बताइए सर कुछ हमें, कैसा लगा आपको यहाँ पे पूरा ओवरऑल फैसिलिटीज? बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, मतलब मेकअप रूम स्पेशियस हैं, चेंजिंग रूम अलग दिया हुआ है, अगर किसी को वेट करना है, कोई रिलेटिव साथ में है, बच्चे हैं, तो आप आराम से आराम यहाँ कर सकते हैं। और बाकी अगर किसी भी चीज़ की आपको नीड होती है तो स्टाफ यहाँ का इतना अच्छा है कि विदिन सेकंड्स वो काम कर देते हैं। ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री रिव्यू है सर का, बट कोई किसी तरह का आपको लगा हो कि यार इस चीज़ की कमी रह गई है यहाँ पर? यहाँ तो कोई कमी है ही नहीं, आप देख सकते हो एक्सपीरियंस, मतलब वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है, तो एक्सपीरियंस ओवरऑल 10 out of 10 है सर के लिए। और बाकी आपको मैं दिखाई चुका हूँ यहाँ पे, आप इंटीरियर देख ही सकते हो मेकअप रूम का, कुछ इस तरीके का मिलने वाला है आपको मेकअप रूम। लाइटिंग ओवरऑल सेटअप सारे मैंने दिखा दिए आपको गाइस, लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है लाइटिंग के साथ। जो पिक्चर्स लोगे वो भी बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ आने वाली है। ओवरऑल मैंने आपको सारे सेटअप दिखा दिए, रात का उनका व्यू और दिन का व्यू दोनों ही एक्सट्रीम ब्यूटीफुल लगा मुझे, और साथ में ही मैं कह सकता हूँ कि यार ये वर्थ है, अगर आप आ रहे हो प्री वेडिंग के लिए तो यहाँ पर वर्थ है और आप आ सकते हो यहाँ पे। सो गाइज ओवरऑल मैंने आपको सारे सेटअप दिखा दिए, कैसा लगा आपको मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस और यहाँ की विजिट मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आप आ रहे हो यहाँ पे मेरा वीडियो देख के तो आपका जो एक्सपीरियंस रहने वाला है वो मेरे साथ शेयर करना मत भूलना। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल ब्लॉग।